नींद पूरी ना होने से कामकाज पर तो असर पड़ता ही है, लेकिन हेल्थ पर भी कम असर नहीं होता। अच्छे लाइफस्टाइल के लिए जितनी ज़रूरी यहाँ पर एक्सरसाइज होती है, आपका अच्छा खान पान होता है, उतना ही ज़रूरी आपके लिए होता है अच्छी नींद लेना। पूरी नींद लेना बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आपको एक्सरसाइज का भी फायदा होगा। जी हाँ, आपने अक्सर सुना होगा कि कम नींद लेने से डायबिटीज़ और हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ज़्यादातर लोग ये सोच लेते हैं कि जितनी नींद ली जा रही है वो बहुत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि नींद पूरी ना लेने से इंसुलिन बनने की प्रक्रिया भी सुस्त हो जाती है। कम सोना उतना ही खतरनाक होता है और इससे बॉडी कमज़ोर भी हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे कम नींद लेने के क्या है भयंकर नुकसान, जिसे जानकर खड़े हो जाएंगे आपके कान। कम नींद और ज्यादा एक्सरसाइज के क्या क्या है साइड इफेक्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर रिस्किंग। और आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। स्वागत करती हूं डॉक्टर प्रशांत छाजे, डायरेक्टर छाजे लंग केयर एंड स्लीप सेंटर, डॉक्टर मिकी मेहता, ग्लोबल लीडिंग होलिस्टिक हेल्थ गुरु, स्पिरिचुअल लाइफ कोच, डॉक्टर हरीश शेट्टी, साइकियाट्रिस्ट, डॉक्टर एल एच हीरानंदानी हॉस्पिटल। आप तीनों का स्वागत है हमारी इस बेहद ख़ास पेशकश में। और आप तीनों के ही साथ मैंने ऐसे कई सारे शो किए हैं जहां पर अच्छी लाइफस्टाइल और सुधरी हुई लाइफस्टाइल पे हमने तवज्जो दिया है। लेकिन डॉक्टर मिकी मेहता, आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप एक होलिस्टिक गुरु है, आपके पास तमाम तरह के लोग आते हैं जो कि न सिर्फ पतला होना चाहते हैं बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, जो अपनी फिटनेस को अहमियत देना चाहते हैं और आगे एक हेल्दी जिंदगी जीना चाहते हैं। जब आप उनके साथ डील करते हैं तो मुझे बताइए, क्या अच्छी नींद को लेकर कोई खास सेशन आप रखते हैं उनके साथ, बताते हैं कितना घंटा सोना जरूरी है और ना सोने से या कम सोने की भी क्या साइड इफेक्ट होते हैं? योग की एक प्रक्रिया है कि आराम, आनंद, शवासन, ध्यान, ये सारी चीजें होने से जब आपका शरीर और मन आराम में जाता है तो उसका संचालन, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी अच्छा होता है, एनर्जी की कंजर्वेशन अच्छी होती है, सांस की प्रिजर्वेशन अच्छी होती है। और पुराने जमाने में कहा करते थे आराम हराम है, आज के जमाने में मैं कहा करूंगा कि आराम ही आनंद है। जितना आराम करोगे उतनी आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो पुराने जमाने के ख्याल थे कि ज्यादा आराम करने से शरीर मूर्छा जाता है, मन मूर्छा जाता है और प्रमाद में मन लीन हो जाता है, आप बिल्कुल इनएक्टिव और लेथार्जिक हो जाते हो। उसके बदले में आप अगर साइंटिफिक रूप से देखें तो आराम से vitalizing of the body, regulating of the body and even helping body to eliminate toxins more efficiently. तो आराम करने से हमारे जितने भी organs हैं, हमारे जितने भी systems हैं, functions हैं, उनका orientation, restoration, repair and cellular regeneration बहुत ही आराम से होता है। बिल्कुल। और क्योंकि यहाँ पर आराम की हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रशांत, इस आराम में नींद पर हमें कितना फोकस करना चाहिए? अमूमन कहते हैं कि आपको 7 से 8 घंटे तो सोना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि हर कोई 7 से 8 घंटे नींद ले सकता है। अच्छा, अगर ले भी ले डॉक्टर प्रशांत, तो उसमें जो है आपकी जो क्वालिटी नींद होती है वो तो केवल 3 से 4 घंटे ही होती होगी। तो 6 से 7 या 7 से 8 घंटे की जो नींद की हम बात करते हैं, क्या ये पूरा क्वालिटी नींद का एक बैंड है जो आपको लेना चाहिए? देखिए, जो नींद का जो मुद्दा है, नींद, स्लीप इज बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल हेल्थ के लिए, जैसे मिकी मेहता ने कहा। अभी स्लीप का और जो एक्सरसाइज का भी जो संबंध ऐसा है कि अगर स्लीप नहीं होती है एडिक्वेटली तो बॉडी का जो एक रीजेनरेशन जो होता है रात में, जो मसल्स का डेवलपमेंट होता है, मसल का जो सिंथेसिस होता है, अपने जो हार्मोन लेवल्स है वो सब इम्पैक्ट होते हैं। ये बताइएगा डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रशांत, ये बताइएगा कि नींद जब आप सोते हैं तो आखिर होता क्या है आपके शरीर में, जरा उस पर फोकस करते हैं। हाँ उस पर ही फोकस करता हूँ। तो आपने पहला मुद्दा तो आपने ये उठाया कि कितने घंटे की नींद जरूरी है। सो ऑन एन एवरेज 7 to 9 hours ऑफ स्लीप इज रिक्वायर्ड। हर व्यक्ति का अलग पैटर्न होता है, किसी का 6 hours होता है, किसी का 8 hours होता है, 9, बट 7 hours इज कंसिडर्ड एज द जनरल एवरेज, जो कि महत्व है।
अभी यदि कोई व्यक्ति को उससे कम नींद मिलती है तो उसके हानिकारक इश्यूज भी आ सकता है। नींद के सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बॉडी रिलैक्स होती है। अभी हम जो अभी आजकल बहुत चर्चा में आ रहा है, एक्सरसाइज है, लाइफस्टाइल है, लोग लंबा बहुत एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करते हैं जब भी प्रोटीन बिल्ड होता है, बट प्रोटीन जब भी एक्सरसाइज का बिल्ड होता है वो टाइम पे प्रोटीन जो मसल है वो डैमेज भी होता है। सो मसल इज बीइंग बिल्ट आल्सो बट मसल इज बीइंग डैमेज्ड आल्सो, तो मसल के रिकवरी के लिए नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली, नहीं ये आपने बिल्कुल सही बात कही है कि आपके मसल रिकवरी के लिए सोना बहुत जरूरी है। तो वो तमाम लोग जो कि इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, जिनको लगता है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको एक्सरसाइज पर फोकस करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसको बैलेंस आउट करने के लिए अच्छी नींद जरूरी है, क्योंकि यहीं पर आपके मसल की रिकवरी होती है। लेकिन सिर्फ मसल की रिकवरी नहीं होती है, डॉक्टर हरीश हमको आपको ये समझाएं कि किस तरह से आप मेंटली भी एक तरह से रिलैक्स तो करते ही हैं, आपके दिमाग को शांत करने के लिए सोना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने दिमाग की शक्ति को बढ़ाने के लिए भी सोना बहुत जरूरी है। पहले मैं सभी को यह कहूंगा कि स्लीप इज नॉट अबाउट एरिथमेटिक, इट्स अबाउट आर्किटेक्चर। बिल्डिंग जैसा बनता है वैसा नींद होता है। डीप स्लीप, ड्रीम स्लीप, इस सही प्रमाण में होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं 8 घंटा सो गया रात को 3 बजे से सुबह 11 बजे तक, ये नींद नहीं होती है। सूर्यास्त के बाद, आफ्टर सनसेट, 4 घंटे के बाद नींद आनी चाहिए। पीनियल ग्लैंड उस समय मेलाटोनिन सिक्रीट करती है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग कहते हैं पार्टी हार्ड वर्क हार्ड, ये गलत है भाई, कम सोना और बहुत काम करना ये बिल्कुल गलत है। पार्टी करने से नींद नहीं मिलती है, नींद से खिलवाड़ करोगे तो पैनक्रिया स्ट्राइक पे जाएगा, थायराइड स्ट्राइक पे जाएगा, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स जो है वो बहुत हो जाएगा। साथ साथ में बच्चों को ये कहता हूं कि तुम फोनवा पे बैठे रहोगे तो याद रखना भेजा पलटवार करेगा, याददाश्त कम हो जाएगी, परीक्षा में कुछ याद नहीं रहेगा, गुस्सा बढ़ता है, एंजाइटी डर बढ़ता है, और बहुत सामने से एंजाइटी होने के बाद डिप्रेशन भी हो सकता है। यानी एंजाइटी यानी मैं कोप कर रहा हूं, मुझे डर लगता है, कोपिंग फेल होता है तो उदासीनता होती है, गुस्सा बढ़ता है, बच्चे बड़े एग्रेसिव हो गए स्कूलों में क्योंकि वो रात को लेकर बैठ जाते हैं। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, क्योंकि एंग्जाइटी, डिप्रेशन और जिस तरह की एक तो हेक्टिक लाइफस्टाइल हर कोई जीता है, अच्छी नींद ना लेने से आप खतरे की ओर बढ़ते हैं दिन पर दिन। लेकिन मिकी, मुझे मैं ये चाहती हूँ कि अब आप उस बात पे फोकस करें, उन लोगों को सीधा बताएं कि अगर आप कम सोते हैं और बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो जो एक्सरसाइज का रिजल्ट आप चाहते हैं ना, वो भी आपको नहीं मिलेगा, ये आप कैसे समझाएंगे? बिल्कुल, हमारी जो जिंदगी है वो एक ऊर्जा का तांडव है, और ये ऊर्जा का तांडव शांत करने के लिए हमें नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर ओवर एक्सरसाइज करते हैं और सोते नहीं हैं तो आपकी ऊर्जा छिन होती है, तनाव बढ़ते ही जाता है, और जब तनाव ज्यादा बढ़ता है तो रबर बैंड की तरह वो टूट सकता है। तो मानसिक तनाव हो या भौतिक शारीरिक तनाव हो, तो ओवर एक्सरसाइज करने से जो उसके बाय प्रोडक्ट्स है, लैक्टिक एसिड बिल्डअप, जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये सारी चीजें नींद में ही ठीक होती है, नींद में ही प्रोसेस होती है, और हमारी बायोकेमिस्ट्री सबसे ज्यादा नींद में विदाउट कॉन्शियस इंटरवेंशन काम करती है। बायोमैकेनिक्स में स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्शन होने से एक थकावट सी आती है, एग्जॉशन आती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेवर एक्सरसाइज टू द पीक, ऑलवेज एक्सरसाइज सब मैक्सिमम। नंबर टू, व्हेन बॉडी इज इन एक्टिविटी इट आल्सो नीड्स पैसिविटी। गणित छोड़िए, स्टॉप काउंटिंग, स्टार्ट लिविंग, एंड लिविंग में भी संतुलन। जब आपका संतुलन टूटता है तो आपका तनाव बढ़ता है, जब तनाव बढ़ता है तो आपकी उम्र कम हो जाती है, क्योंकि डिसऑर्डर, डीजेनरेशन, दिस इज डीके, डेथ। नहीं, मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल कहा कि स्लीप लाइक अ बेबी, इसके क्या नुस्खे हैं ये हम शो के एंड में चर्चा करेंगे, आप तीनों से टिप्स लेंगे कि कैसे इस तरह की अच्छी नींद ली जाए। लेकिन डॉक्टर प्रशांत, अनजाने में होता है कई बार, पर आपको रियलाइज नहीं होता कि आपको जो थकावट महसूस हो रही है, जो चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, आप जो ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, आपको जो एंजाइटी लग रही है, कई बार लोगों को ये ट्रिगर
कम सोने का समझ में नहीं आता। तो मुझे बताइए कि आपकी बॉडी, क्योंकि देखिए आपकी जो बॉडी है वो आपसे बात करती है, अगर आपकी बॉडी में कुछ कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको सिग्नल्स देती है आपकी बॉडी, आप पकड़ लें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन कई बार लोग समझ ही नहीं पाते कि वो कम सो रहे हैं, और यही वजह से जो दिक्कतें आप तीनों ने हाईलाइट की है, उन दिक्कतों से आप गुजर रहे हैं। तो कैसे इन सिग्नल्स को आप पकड़ें और समझें कि सोना जरूरी है? बहुत बढ़िया, आई थिंक कविता, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी इसके लिए जो कॉमन सिम्टम्स, जिस व्यक्ति को ठीक से नींद नहीं मिल रही है रात में, या वो एडिक्वेटली सो नहीं रहा है, और यदि सो भी रहा है तो उसकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसके क्या सिम्टम्स है? ऐसे व्यक्ति जब भी सुबह उठेंगे तो उन्हें लगेगा कि मैं फ्रेश नहीं हूं, कोई सुबह उठेगा उनको लगेगा कि हेडेक है, कोई सुबह उठेगा थोड़ी देर के बाद चाय पिएगा बोलेगा वापस थोड़ा सो जाऊं, जो ऑफिस में जाना होता है अगर कार में है ट्रेन में है तो बैठे बैठे सो जाएंगे, अगर मीटिंग में है दोपहर में तो दे के आर नॉट फोकस ऑन द मीटिंग, मीटिंग में बैठे बैठे झपकियां लेते हैं, कभी टीवी के सामने बैठे हैं तो टीवी के सामने सो जाते हैं, चार लोगों में बात कर रहे हैं तो बैठे बैठे भी सो जाते हैं, दिन में बहुत थकावट रहती है, कुछ ना करने का मन होता है, एक्सरसाइज करने का दिल नहीं होता है, ये सब सिम्टम्स जो है इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग संबंध है पिछली रात आप कैसे सोए इसके ऊपर। बिल्कुल, ब्रेन को रेस्ट रहना जरूरी है, लेकिन डॉक्टर हरीश, कई बार जैसे कि जो लोग होती हैं, जो आम जनता होती हैं, वो अपने सेलिब्रिटीज को या किसी भी ऐसे शख्स को जो कि बहुत फेमस है, उसको अपना आइकॉन समझते हैं, उसको आइडलाइज करते हैं। तो कई बार हमने देखा है कि सेलिब्रिटीज ऐसे बयान देते हैं जहां पर वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ 4 से 5 घंटा सोते हैं, हमें उतनी क्वालिटी नींद की जरूरत है और हम काफी फ्रेश उठते हैं। कई ऐसे कहते हैं कि हम कम सोते हैं क्योंकि हमारे आंखों के नीचे जो पफिनेस होती है वो कम हो जाती है, वाटर रिटेंशन कम होता है। कम सोने की वकालत वो नहीं करते हैं, लेकिन वो जिस तरह से अपनी लाइफस्टाइल बताते हैं उस पर पता चलता है कि वो कम सोते हैं, उसके बावजूद भी वो 100% प्रोडक्टिविटी जो है वो मेंटेन करते हैं। ये कैसे होता है डॉक्टर हरीश, और कैसे इन सब बातों पर आपको गौर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कोई हेल्दी तरीका नहीं है जीने का? जैसे मिकी जी ने और प्रशांत जी ने कहा, इंडिविजुअल वेरिएशन हो सकता है, परंतु ये जो कहना कि मैं प्रोडक्टिव हूं, याद रखिए एक शिफ्ट 12 घंटे की प्रोडक्टिविटी में और 12 घंटे भी होती है, वहां क्या होता है ये श्रोताओं को पता नहीं है। कितने विजिट्स होते हैं फिजिशियन के पास, कितने विजिट्स होते हैं मिकी मेहता और प्रशांत के पास, ये किसी को पता नहीं। तो याद रखना, यदि जिंदगी के बारे में सोचना है तो साइंस के जो लोग हैं उनका ही राइज देखिए। और एक बात है, बहुत सारे आर्टिस्ट रात को लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, बिल्कुल गलत और रॉन्ग हिसाब किताब है। बहुत सारे आर्टिस्ट कहते हैं हम 4 घंटा दोपहर को सोते हैं, 4 घंटा रात को सोते हैं, 4 + 4 = 8, ये सही नहीं है। और जो वो कहते हैं वो अपने आप को तसल्ली देते हैं कि मैं नॉर्मल हूँ। कैमरा के आगे प्रोडक्टिविटी और चंद्र और सूर्य के आगे स्वास्थ्य, इसमें बहुत फर्क है। बहुत गोलियां खाते हैं सेलिब्रिटीज लोग भी। नींद अच्छी करने से इम्यूनिटी भी बढ़ती है, नींद अच्छे करने से सेक्सुअल लाइफ भी बहुत अच्छा होता है, नींद अच्छे करने से ब्लड प्रेशर कम होता है, शुगर मेंटेन होता है। मेरा एक दोस्त था, वो इंसुलिन के पंप लेते थे और उन्होंने कहा जब मेरी नींद अच्छी हो गई तब इंसुलिन का रिक्वायरमेंट कम हो गया। याद रखना कि नींद और एक्सरसाइज के साथ, जैसे मिकी और प्रशांत जी भी कहेंगे, योग अभ्यास भी करना आवश्यक है। एक्सरसाइज से पल्स कम हो जाती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शांत होता है, और योग अभ्यास से और माइंडफुल हो जाते हैं, शरीर और मन का तालमेल बढ़ता है, बातचीत अच्छी होती है, और शरीर मन का प्रकृति के साथ तालमेल बढ़ता है। प्रकृति शरीर और मन जब साथ में गाना गाएंगे ना, तब नींद योगा और एक्सरसाइज तीनों काम आएगा। व्यायाम से सिर्फ मसलें बनती है, एक्सरसाइज डिसॉल्व्स टीयर्स फियर्स एंड एंगर, इट्स नॉट ओनली फॉर मस्कल। बहुत ज्यादा मसल की आवश्यकता भी नहीं जिंदगी में। स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए तो इम्यूनिटी, याददाश्त। और एक बात है, जो व्यक्ति बहुत सोते हैं और उदास रहते हैं, याद रखना डिप्रेशन में भी नींद का प्रमाण बढ़ता है बट रेस्टफुल स्लीप नहीं होता है। आलस होता है और बहुत ज्यादा सोते हैं 15 घंटा 16 घंटा, और ये डिप्रेशन का भी एक चिन्ह हो सकता है। और स्लीप डेट, हमने 7 दिन
बिल्कुल मेहनत से काम किया, दो दो शिफ्ट किया, 18 घंटा किया हमने शूटिंग, और दो हफ्ते की ब्रेक लेके स्लीप डेट को हम कंप्लीट करते हैं। ये भी हेल्दी हैबिट नहीं है, ये भी यहां से पॉइजन खाओ वहां से अमृत खाओ, ये राम और रावण का बाण नहीं है जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करे। इसलिए रेगुलर हैबिट जैसे मिक्की जी ने कहा, प्रशांत जी ने कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी थोड़ा इरेगुलर हो सकते हैं, हम थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, परंतु बहुत ज्यादा वर्क हम दो हफ्ता बहुत काम करेंगे और चार दिन जाके कहीं लोनावला में सोएंगे, ये नहीं चलेगा। ये आपने काफी अहम बात पर अपना जवाब छोड़ा है डॉक्टर प्रशांत, मेरे ख्याल से यहाँ से आप इसको लेके जा सकते हैं, क्योंकि अब इसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या होती है, क्योंकि हम सभी बहुत ही हेक्टिक लाइफस्टाइल जीते हैं डॉक्टर प्रशांत, और हर वक्त मुमकिन नहीं है कि शायद आपको 7 से 8 घंटे की नींद मिले। कई बार लोग 4 से 5 घंटे ही नींद लेते हैं, लेकिन जैसा कि डॉक्टर हरीश ने अभी हाईलाइट किया कि बहुत सारे लोग हैं जो हफ्ते भर बहुत काम करते हैं और बाद में वीकेंड पर अगर समय मिल जाए तो सो जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा है कि दो दो तीन तीन महीने लगातार काम करते हैं और उसके बाद एक हफ्ते का ब्रेक लेते हैं और अपनी बस नींद पूरी करते हैं, क्योंकि आपका शरीर उसके अलावा आपको कुछ करने की इजाजत देता ही नहीं है, वो इतना थका हुआ होता है। लेकिन अगर ये करना गलत है तो फिर हमारी पेंडिंग स्लीप पूरी कैसे होगी, या पेंडिंग स्लीप जैसा कोई कॉन्सेप्ट है भी कि नहीं? नहीं, सो कविता जी, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। एक बात बहुत क्लियर है कि अगर व्यक्ति को इनफ आवर्स की स्लीप और इनफ आवर्स की क्वालिटी स्लीप नहीं मिलती है तो उसके बहुत ही हानिकारक इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर ये क्रॉनिकली होता है, अगर रेगुलर पीरियड्स में, रेगुलर ड्यूरेशन के लिए होता है कि कंसिस्टेंटली व्यक्ति को अच्छी क्वालिटी की स्लीप नहीं मिल रही है, इनफ आवर्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसके वजह से एक बॉडी में मेटाबॉलिक स्ट्रेस निर्माण होता है। ये जो मेटाबॉलिक स्ट्रेस जो निर्माण होता है, इसके अनेक हानिकारक इफेक्ट्स है। उसमें बहुत सारे केमिकल्स और हॉर्मोन्स रिलीज किए जाते हैं जो अपने शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि उसे स्ट्रेस हॉर्मोन्स किया जाता है। जब भी व्यक्ति कम स्लीप में सोता है, इनएडिक्वेट स्लीप में सोता है, कम क्वालिटी के स्लीप में सोता है, तो बॉडी हैज टू जनरेट अ लॉट ऑफ हॉर्मोन्स टू कीप द बॉडी गोइंग, एंड इसका आगे डिलेटेरियस इफेक्ट भी होता है। कॉमन साइड इफेक्ट क्या है अगर हम आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है तो? नंबर वन, हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज इंक्रीजिंग, सो इट कॉन्ट्रीब्यूट टू डायबिटीज, it contributes to blood pressure, hypertension, it contributes to heart disease, it contributes to stroke. वो आपका जो blood thinning, blood का जो quality है, blood को ज्यादा coagulate कराता है, it makes the increased chances of blood clotting, anxiety, depression, so acid reflux, ये सब चीजें जो है, ये these are some of the common side effects of sleep deprivation जो मैं आपको बता रहा हूँ। Also, it leads to impotence, which is another important issue. It leads to infertility. It is contributing to infertility. जो आज के हम young generations में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं प्रमाण में, everybody is working, but sometimes working too hard without a discipline. तो जैसे मिक्की जी ने कहा है, जैसे हरी जी ने कहा है, ये एक बहुत महत्व है कि हम कोई भी चीज़ करें, उसमें discipline maintain करें. You can work hard, but I will say sleep well. That should be the take-home message, and not work hard, play hard, party hard. वो सब बराबर है. Once in a way, it's okay. But I think work hard and sleep well is extremely important. चर्चा के आखिरी पड़ाव में मैं आ गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप कुछ lifestyle changes हमारे दर्शकों को suggest करें. मिकी, आपके पास आऊँगी. कम sleep अगर आप ले रहे हैं, अगर आप अच्छे से सोए नहीं हैं, तो इम्पोर्टेंस अपने वर्कआउट को दें, या पहले आप पूरी नींद अपनी ले लें उसके बाद आप वर्कआउट करें, और ऐसे लोग जो कि बहुत इंटेंस वर्कआउट भी करते हैं, वो अपनी नींद के लिए किस तरह की प्री स्लीप हैबिट्स को अपनाएं? तो पौष्टिकता बहुत ही जरूरत है और जरूरी है, और उसके साथ शांत आनंदमय मन, वो भी जरूरत है, उसके बाद वर्कआउट जरूरत है। Okay. वो एक चीज हो गई। और स्लीप आने के लिए आयुर्वेद में नस्यम की थेरेपी बहुत अच्छी है, जो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग कैन बाय नस्यम अनुतैलम, और नॉस्ट्रिल्स में सुबह शाम डाल के तो आपके सर्कैडियन रिदम को बैलेंस कर सकता है। नंबर टू, वार्म वाटर शावर्स इन द नाइट। नंबर थ्री, अभ्यंगमा, ट्वाइस टू थ्राइस अ वीक अगर अभ्यंगमा करते हैं तो वो भी नींद के लिए, सुषुप्ति की नींद के लिए बहुत ही अच्छी थेरेपी बन सकती है। एक सिंपल थेरेपी है ब्रीदिंग की, जो आप रात को आंख बंद करके सोने से एक आधे घंटे पहले सिर्फ 30 से 50 बार जस्ट लेट गो ऑफ ऑल द ब्रेथ,
So not only your oxidative stress and your pent up gases will go out, but आपके जो मन में जो विकार है वो भी निकल जाएंगे, आपके भावनाओं में जो विकार है वो ब्रीदिंग आउट से निकल जाएगा, बॉडी ब्रीदिंग आउट करने से हल्का हो जाएगा, शारीरिक तनाव मानसिक तनाव ये धीरे 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 विसर्जित हो जाएंगे, विदा हो जाएंगे और बॉडी को लाइट फीलिंग आ जाएगी। ये लाइट फीलिंग के बाद नींद आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। सो दिस इज ऑल्सो वन प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। मैं बहुत सारी थेरेपीजों में रात की रानी या मोगरा सूंघने की प्रक्रिया बताता हूँ, वो थेरेपी बताता हूँ, क्योंकि कोई भी फ्लावर या फ्रूट जैसे ऑरेंज राइंड होता है उसको सूंघने से 30 40 50 बार आपके मानसिक और भावनाओं के जो तनाव है वो विसर्जित हो जाते हैं, मूड एलिवेट हो जाता है, एक सौम्य सोम्बर फीलिंग, रिलैक्स, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और मन शांत हो जाता है, एंड दैट इज ऑल्सो डिसरप्शन ऑफ द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस। उसमें भी आनंद में नींद आपको मिल सकती है। बच्चों को बूढ़ों को अगर पंच महाभूता के सामने पर्यावरण में लेके जाए और वहां पर वो एनर्जीज के साथ मिंगल करें तो आपके जो तीन दोष है वात पित्त कफ वो संतुलित हो जाते हैं, क्योंकि वो दोष के बढ़ने से सारे इम्बैलेंसेस आते हैं बॉडी में, सारे विकार आते हैं। तो मैंने बहुत अच्छी लाइन कहीं पर लिखी थी कि अगर बिगड़ जाएगी आपकी वात तो लग जाएगी आपकी वात, अगर उत्तेजित हो जाएगा आपका पित्त तो अशांत हो जाएगा आपका चित्त। एंड कफ पे ध्यान देना, टू मच ऑफ कफ इज नॉट गुड एंड लेस कफ इज नॉट इनफ। सो ये सारी चीजों को अगर आप संतुलन में लेके आए तो जैसे हरीश शेट्टी ने बताया दैट स्वास्थ्य कैन बिकम म्यूजिक। सो श्वास से बने स्वर, स्वर से बने सुर, सुर से निकले गीत, और जब ये गीत संगत में हो ऑर्केस्ट्रेशन में तो स्वास्थ्य बने संगीत। चलिए बहुत बढ़िया डॉक्टर हरीश, आपके क्या टिप्स होंगे? जिंदगी के जो जो कहानियां हैं जिससे आक्रोश पैदा होती है, उसने मुझे ऐसा किया, इसने मुझे प्रमोशन नहीं दिया, इसने मेरा पैसा नहीं दिया, इसने मेरा पैसा खाया, ये गवर्नमेंट बड़ा खराब है, इसको पहले सॉल्व करना, डिसॉल्व द स्टोरीज और रिजॉल्व द स्टोरीज, ये बहुत पहली बात है। दूसरी बात, हरीश, ये तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, ये कैसे रिजॉल्व हो जाएंगी, इसका तो निवारण जब तक नहीं होगा। समस्या बड़ी नहीं है, आज के दिन आपको दो रोटी मिल रही है, आज के दिन आप खुश है, आज के दिन आप शांत है, तब इसके लिए आप फाइट करना, पर अंदर की जो जो ऑर्गन्स है, अंदर की जो प्रकृति है उसको स्थिर रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जो योद्धा है बड़ा माइंडफुली फाइट करता है, जो गुस्से वाला है तलवार कहीं भी चलाता है, ये इसमें फर्क है। दूसरी बात, 7 बजे के बाद झगड़ा मत करना, जितना हो सके उतना 7 के पहले झगड़ा फिनिश कर देना। ब्लू लाइट जो है, ब्लू लाइट ये आंखों के सामने मत लाना बहुत समय तक। जैसे मिक्की जी ने कहा, रात को शवासन कर सकते हैं, रात को ऐसे कोई भी गुड स्लीप ट्रिगर्स है उसको यूज कर सकते हैं, हर एक के लिए अलग अलग। कुछ लोग कहते हैं मैं पुस्तक पढ़ा तो मुझे नींद आ जाती है, कुछ लोग कहते हैं मैं शाम को व्यायाम किया तो मुझे नींद अच्छी आती है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हनी और दूध पिया तो नींद अच्छी आती है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि शांत वातावरण रहा तो अच्छी नींद आती है, कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत हंसा और बहुत बातचीत की, अच्छी बातचीत की तो मुझे नींद अच्छी आती है, ये ट्रिगर्स का यूज करना आवश्यक है। एक बात याद रखना, पुरानी कहानी जब बार बार दिमाग में आती है ना, इसको 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 पलने और फूलने नहीं देना, इसको कहीं ना कहीं जाके साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास बिल्कुल इलाज करना। साथ में सब सिंड्रोमल डिप्रेशन बहुत कॉमन है, 7 में से 1 व्यक्ति हिंदुस्तान में मानसिक रूप से बीमार है, ऐसे कुछ रहा तो उसका इलाज झट से करना, कभी दुआ कभी दवा, ये दोनों का भी मिश्रण हो सकता है। और आपके स्लीप आर्किटेक्चर को सही करना, पर कभी कभी बहुत बेचैन हो तो 1 महीने में 1-2 दिन नींद अच्छी नहीं आए तो कोई तकलीफ नहीं, कौनो बात नहीं। और इसके साथ साथ
जितना नेटवर्क आपके अच्छे है ना, फ्रेंड्स नेटवर्क जिसके साथ आप बात करते हैं, ऐसे नेटवर्क जहां हम इमोशनली न्यूड है, हम कुछ भी कह सकते हैं। मेरा बहुत तकलीफ हुई ऑफिस में, मुझे मेरी पति पत्नी बहुत तकलीफ देती है, मेरे बच्चे फेल हो गए, ऐसा नेटवर्क भी होना आवश्यक है। जो व्यक्ति कहता है कि मेरा हस्बैंड एक में वह मेरा मित्र है, वाइफ मेरी एक में वह फ्रेंड है, उसको नींद, उसकी नींद उड़ जाएगी। चलिए आखिरी 30 सेकंड मेरे पास है डॉक्टर प्रशांत, आपसे आखिरी टिप। So, मैं स्लीप के बारे में ये कहूंगा कि जो अपना स्लीप हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। रात को जब भी सोते हैं तो रूम जो अपना है वो कम लाइट का होना चाहिए, अपना जो बेड टाइम होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए, और जब भी हम बेड में सोने जाते हैं तो अवर माइंड शुड रिलेट दैट गोइंग टू बेड मीन स्लीपिंग और प्राइवेट एक्टिविटीज। आपने मोबाइल चालू किया, टीवी चालू किया, पढ़ाई किया, बुक रीड किया, ये बेड पे नहीं करना चाहिए। आपको यदि ये करना ही है तो यू प्लीज स्टेप आउट ऑफ द बेड, गो टू अनदर प्लेस एंड डू योर रीडिंग, डू योर मोबाइल, डू योर व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट जब आप बेड पे आते हो तो वो टाइम पे आपको सोना चाहिए। इंपॉर्टेंटली अपना जो वेकअप टाइम है उसे भी अपने फिक्स रखना चाहिए, और यदि अपना स्लीप टाइम और वेकअप टाइम फिक्स रहेगा तो ये बहुत बेहतर होता है। और अनदर थिंग इज कि जो लोगों को रात में नींद ठीक से नहीं आ रही है, जिनको रात की नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ऐसे लोगों ने डे टाइम में सोने को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब भी वो डे टाइम में सोता है तो फिर उनका जो स्लीप टाइम है वो पोस्टपोन हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लोगों को स्लीप डिस्टर्बेंस है वो पूरे डे में ना सोए, ताकि बाय द टाइम जैसे डिस्कस किया गया है 10, 10:30, 11 बज जाते हैं, उस वक्त पे उस वो व्यक्ति को बराबर से नींद आ जाती है। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टिप्स व्हिच आई विल गिव फॉर अ गुड स्लीप हाइजीन। चलिए तो कुल मिला के बात यही है कि आप भले ही कितना भी हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, आप अच्छा खा पी रहे हो, अपने मन को और अपने मस्तिष्क को आप खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं तो इतनी अच्छी चीज़ों का आपको फल नहीं दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस खास पेशकश में शामिल होकर हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। इसी के साथ कंज्यूमर्स किंग के आज के इस एपिसोड में इतना ही, मुझे भी इजाजत दे, नमस्कार।